अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम आज आए थे ग्लासगो, तो हमें नहीं पता था यहाँ लॉकडाउन है। तो यहाँ पे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, देखिए सारी शॉप्स क्लोज हैं। ये वो टाउन है जो बहुत बिजी है और यहाँ बहुत लोग होते हैं। तो देखें, हमने यहाँ से पूछा, वो कहते हैं इज़ लॉकडाउन इन हेयर। तो ये देखिए सारी शॉप्स बंद हैं, कुछ खुली हैं, बस ये देखिए सारा बंद है। तो ये ओपन होना है 11th of December को, इस सैटरडे को नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को। तो ये देखिए कितना क्वालिटी है। हम आए थे, हमने कहा चलो शॉपिंग करके आते हैं, लेकिन शॉप्स सारी ऑलमोस्ट बंद है। तो ये देखिए बकैनन स्ट्रीट है। तो ये देखिए सिर्फ इसेंशियल शॉप्स ओपन हैं, बाकी सारी बंद हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा क्वाइट ग्लास को। नहीं तो हम जब आते हैं ये बहुत क्राउडेड और बहुत बिजी है ये तो, लेकिन आज देखे मैं तो देख के हैरान रह गई हूँ कि ये देखें, क्योंकि हम शायद फर्स्ट टाइम आए हैं लॉकडाउन में यहाँ, क्योंकि एडमबरा में लॉकडाउन नहीं है। एडमबरा में भी है कुछ जगहों पे, लेकिन यहाँ पे तो फुली लॉकडाउन है। तो बस हम थोड़ा घूमे फिरेंगे यहाँ, देखेंगे कुछ खाने पीने की भी शॉप्स ओपन है कि नहीं, तो फिर हम देख के फिर वापस चले जाएँगे। क्योंकि अगर शॉप्स बंद हैं तो फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम सुबह बेटे को स्कूल छोड़ के यहाँ आए हैं, तो उसके स्कूल की वापसी से पहले हमें वापस जाने का है। तो फिर उसको स्कूल लेंगे, स्कूल से लेंगे उसको फिर। चलिए आप आगे आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम आते हैं ज़्यादा ग्लासगो, अगर आते हैं तो फिर शॉपिंग के लिए आते हैं, क्योंकि शॉपिंग यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं जो एडमबरा से नहीं मिलती है। एशियन चीज़ें भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी यहाँ लाइटिंग भी की हुई है फ्रेजर पे। शॉपिंग सेंटर है अर्गाइल आर्केड, ये भी बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत अंदर से शॉपिंग सेंटर है, लेकिन बंद है अभी, हमने पता किया है तो वो कहते हैं नहीं अंदर से क्लोज है, तो अभी आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ ग्लासगो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम तो काफ़ी अर्से के बाद आए हैं, हमने ना शायद हमने शायद पता नहीं किया, या पहले हम देख लेते न्यूज़ के लॉकडाउन है कि नहीं, शायद हमारी गलती है शायद। ये सामने सेंट्रल स्टेशन है, ये यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है। ट्रैफिक भी नहीं है इतना, ट्रैफिक भी ब्लाइंड ऑन है। सीन इन अंडरग्राउंड, यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा है। Thank you.
तो ये देखिए ये ब्रिज पानी के ऊपर है, तो जब आप इसके ऊपर वॉक करते हैं तो ये ऐसे फील होता है जैसे मूव हो रही है, जैसे हिलती है, पता नहीं हिलती है कि फील होता है, आई डोंट नो, लेकिन फील ऐसे ही होता है हर किसी को कि जैसे ये ऐसे हिल रही है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मुझे बड़ा डर लगा, लेकिन अब नहीं। तो यहाँ तो माशाल्लाह धूप भी निकली है, लेकिन एडिनबरा तो बहुत सर्दी थी आज, और स्नो भी काफ़ी पड़ी हुई थी। स्नो तो इधर भी पड़ी हुई है कई कई जगहों पे, लेकिन आज तो माशाल्लाह धूप है इधर। तो ये ब्रिज है, अब हम इसके ऊपर जाएंगे, तो वॉक करने का तो बहुत मज़ा आता है। तो इसकी दूसरी साइड पे है अपनी अच्छी खाने पीने वाली शॉप्स, तो हम उधर जाएंगे, आप देखेंगे वो शॉप्स ओपन है कि नहीं, तो अगर तो ओपन हुई तो फिर हम कुछ खाएंगे, नहीं तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तो ये अब उधर से हम इस साइड पे आ गए हैं, तो अब ब्रिज ख़त्म हो गई है, तो अब हम इधर देखेंगे शॉप्स ओपन हैं कि नहीं। थोड़ा सा आगे जाके वॉक करनी पड़ेगी, तो उधर जाके अपने खाने पीने की शॉप्स हैं तो वो चेक करेंगे ओपन है कि नहीं। वो देखो वो बोट आ रहा है उधर से, तो हम आए इस तरफ, यहाँ पे सिर्फ एक शॉप ओपन है, तो इनका भी कुछ खास मेन्यू नहीं था, तो फिर हमने यहाँ से लिए नान और चपली कबाब जो बहुत मज़े के थे, और यानी कि इन्होंने फ्रेश ही बनाए हुए थे और बहुत टेस्टी थे। तो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकी थी वो नान एंड चपली कबाब, लेकिन खाना इनका बहुत मज़े का था। और यहाँ पर चार पाँच किस्म के रेस्टोरेंट थे, लेकिन आज ये सिर्फ एक ही ओपन था। ये देखिए इसने हमें उसी टाइम फ्रेश बना के दिए और बहुत मज़े के थे। तो बस फिर हम अभी ये खाएंगे बैठ के। तो ये मैंने लिया हॉट चॉकलेट, क्योंकि बहुत सर्दी थी तो मैंने कहा चलो हॉट चॉकलेट लेते हैं, बहुत मज़े की होती है।